बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ़ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खोया या मावा की रेसिपी कि किस तरह हम घर में इजीली खोया तैयार कर सकते हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं खोया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 1 लीटर हमने दूध लिया है और तकरीबन आधा कप हमने ड्राई मिल्क लिया है, सूखा दूध। बस इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पतीली में बर्तन में दूध बॉईल करेंगे। अभी देखिए जैसे ये इसको एक जोश आएगा तो हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। बस अभी जोश आने वाला है। अब हम ये हल्का कर देंगे अपने फ्लेम की आंच, इसको फिर बदल दें। कम से कम 2 मिनट तक हमें इसको इसी तरीके से पकाना है। फिर उसके बाद दोबारा हम अपने गैस चूल्हे की आंच तेज कर देंगे, हाई पर कर देंगे फ्लेम, ताकि दोबारा बॉयल हो जाए दूध। और हर 2 मिनट के बाद हमें इस तरह चमचे चलाते रहना है ताकि दूध लगे ना। देखें दूध उबल के अब ये हाफ रह गया है। अभी हमें उसे और पकाना है। जब तक ये बिल्कुल ठीक ना हो जाए इसको हमें इस तरीके से बॉईल भी करते रहना है। हर 2 मिनट बाद हमें इसी तरह चमचे चलाते रहना है और साइडों से अगर मलाई जमे तो हमें इस तरीके से उसे चमचे से हटाते रहना है और इसमें शामिल करते रहेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। देखिए बहुत ये आधा रह गया है, आधे से भी कम है। अब इसके अंदर हम ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। देखें ये ठीक होता चला जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। इसे हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अभी देखिए ये खोया तैयार हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब ये हमारा मावा या खोया तैयार हो चुका है और देखेंगे कितना ठीक है। और ये अभी जब थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगा और अब हम इससे कोई भी मिठाई आराम से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अब अपने शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।